Hey, hello everyone. Um, very good afternoon to all of you. I am back. As I said to you, I will be back at 2 or Where are you guys? I mean, like, see, this is why I always say there is only one person on the channel who is really punctual, and that is I. <laughs> right. So, well, anyways, by the time many people join, Tapta kambatka litig, we किंग ऑन पैरा जम्बल और आज की अभी की लाइफ क्लास वैसे तो इसको बथेरे एग्जाम्पल चाहिए होते हैं बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है बट देन अभी जितनी चीजों पे फोकस हम कर सकते थे यानी वो वाले पॉइंट जहां से हम अपना समय भी बचा सकते हैं इस रिजल्ट के साथ ही हमारा आंसर सही हो हमने वो सारे फैक्टर्स सॉल्व कर लिया आप लोगों ने पैराजंबल जब हम सॉल्व कर रहे थे तो ये चीज नोटिस करी होगी कि कुछ क्वेश्चन को लगता है कि ओके जल्दी जल्दी मैच हो गया और कुछ क्वेश्चन में लगता है वी आर अनेबल टू गेट द मैच ऑफ इट सो वन हे हेलो गुड आफ्टरनून सो मैं ये बता रही थी कि पैराजंबल जम्बल की जब भी आप सॉल्व करते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से स्माइल आती है चेहरे पर वजह ये होती है कि आप उसको कर पाने में सक्षम होते हो यू आर एबल टू सॉल्व इट बट अनफॉर्चुनेटली समाइम्स ये लैग ऑन कर जाता है राइट ओके सो समाइम्स ये क्या होता है ये लैग ऑन कर जाता है अभी लैगिंग में क्या होता है गड़बड़ कहां होती है आपके लैग में आप बात नहीं समझ पाते वर्ड या सेंटेंसेस कह क्या रहे हैं आप वो लिंक वर्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो जो एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ रहा है कई बार ये एडवर्ब का, का काम करते हैं यानी टी ओ लगा करके कई बार ये कंजंक्शन के थ्रू खुद को जोड़ते हैं और कई बार तो कहानी की शुरुआत ही इस तरह से की जाती है यानी पैराजंबल की शुरुआत इस तरह से की जाती है कि आप कहानी का पहला भाग समझे और ये समझे कि चारों में से वो कौन है जो सीधा उससे अटैच हो रहा है पैराजंबल इज ऑल अबाउट पजल अगर आपने पजल्स खेले हैं तो अगर आपने अंग्रेजी में यह सॉल्व करने की कोशिश की हो कि जंबल्ड वर्ड्स हैं, उन्हें एक साथ में कैसे लाएंगे तो so, एक काम करते हैं क्वेश्चन और यहाँ पे आई टोल्ड यू ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आप में से कई लोग के आंसर सही हुए थे और कुछ के आंसर थोड़ू से गलत हो गए थे बट आई टोल्ड यू एवरीथिंग थिंग गोज वेल वेन इट वेल सो आज के अभी इस

लेकिन वो वक्त जब मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगी उसके बाद है चलिए शुरू करते हैं है, है कि इंप्लॉयज को क्या फॉलो करना चाहिए ताकि कि जो फेलियर का जो रिस्क है वो कम हो सके और आखिर में जो ये खत्म हो रहा है वो कह रहा है इफ ऑल गोज वेल और अगर सब सही गया चुरल लीडर्स विल एमर्ज टू मूव द ऑर्गेनाइजेशन फॉवर नेचुरली लीडर्स उसी ग्रुप में से निकल के आएंगे जो कंपनी को और आगे लेकर के जाएंगे शुरुआत यह है अगर गाइडलाइन फॉलो करी तो अब ये है हमारी गाइडलाइंस अब देख रहे हैं कौन सी चीज पहले आएगी सो so, अब ये कह रहे हैं दे मस्ट स्टैब्लिश अ मीनिंगफुल कॉरपोरेट कल्चर दैट एनकरेजेज अंस ऑफ ऑन्ट्रोप्रोनोरशिप उन्हें स्टैब्लिश करना चाहिए एक मीनिंगफुल कॉरपोरेट कल्चर अब हम यहां पे किसकी बात कर रहे थे एम्प्लॉयज की अब एम्प्लॉइज जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकते कॉरपोरेट कल्चर ये किसी आला कमान को करना पड़ेगा और आला कमान जो करेगा उसको एम्प्लॉयज को फॉलो करना पड़ेगा तो ढूंढना पड़ेगा हमें दे कौन है यहां पे आगे बढ़ते हैं सीनियर मैनेजर्स हैव अ लार्ज रोल टू प्ले इन दिस बैलेंसिंग एक्ट सेकंड They have to find ways of encouraging mass experiments while limiting possible threats to the company's existence. And the last is they need to make sure the workers they hire have the skills necessary to drive the company forward. So, buddy. Hey hi madam. Hi. Very good afternoon. Bhushan, welcome back. Good afternoon. points ढूंढ निकालिए आंसर कौन सा सही है थर्टी सेकेंड्स मांगे थे मैं दे रही हूं हेलो त्रिपाठी जी सॉल्व करिए <coughs> गुड गुड शिखा सेट डी अभी मैं बाकी वेट कर रही हूं टेंशन नहीं हिमेंद्र सेज बी क्यू एस आर पी क्यू एस आर पी कौन था क्यू एस आर पी ओके ए क्यू एस आर पी है ना आपका भूषण यस yes. <laughs> गुड आफ्टरनून ओके अब देखो थर्टी सेकेंड हो गए बस 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 प्रॉमिस जो मैंने आपको किया था वो मैंने वो आई 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 हैव डन इट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस अब हम शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं अभी तो इस वाले सवाल ने तो मुझे भी चौंका दिया मुझे भी चौंका दिया एज एन कि आप में से सबने अलग अलग लेवल चुना हुआ है सो so, अभी क्या है कि ये वाला तो किसी ने नहीं चुना तो इस बेचारे को एकदम ही अलग कर देते हैं राइट right? तो so, अपने पास चॉइस है क्यू एस आर पी या फिर क्यू एस पी आर या फिर पी एस क्यू आर ठीक है अब हम पढ़ना शुरू करते हैं लेट्स विद दिस वन प्रतीक ने आंसर दे दिया है बी होना चाहिए और सप्तदीप ने बोला सी होना चाहिए ओ ओ माय गॉड सी के लिए आ तो गया हमारे पास

बस सब आ गए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आपने इन चारों ऑप्शन में से किसी का भी दिल नहीं तोड़ा है।, बहुत बहुत है, है।, है, है वो फॉलो करनी पड़ेगी तो गाइडलाइन तो वो तब करेगा ना जब गाइडलाइन सेट होगी और गाइडलाइन सेट तो कौन करेगा वो खुद तो सेट कर नहीं सकता है वो तो गाइडलाइन कंपनी सेट करती है और कंपनी में कौन सेट करता है गाइडलाइंस को तो जरा हम चेक करते हैं पहले तो हमें पता करना है दे कौन है यानी बनने की ज़रूरत है हमको फिर यहां से दे आ गया ये दे, है कौन? ये दे कौन है जो स्टैब्लिश कर रहा है कॉरपोरेट सेक्टर ये दे कौन है जो एनकरेज कर रहा है एम्प्लॉइज को और ये दे कौन है जो ये पक्का कर रहा है इस बात को कि वो जिसको भी हायर करे वो जिसको भी हायर करे वो उसमें स्किल हो जरूरी जो कंपनी को आगे ले जा सके तो ये सारा काम कौन करेगा ये सारा काम करेंगे सीनियर मैनेजर साहब यानी कि हमारा सीक्वेंसिंग क्यू से शुरू होगा सो अब यहां पर दो ही लोग थे तो सीनियर मैनेजर से बात को शुरू कर रहे थे सो यानी कि क्यू एस आर पी और क्यू एस पी आर ये है बाकी जो है वो नहीं होंगे और क्यों नहीं होंगे वो मैंने तुमको बता दिया अब आगे बढ़ते हैं इन दोनों में से कौन सही है धगदा धग धा धगदी सो सीनियर मैनेजर है लार्ज रोल टू प्ले इन दिस बैलेंसिंग एक्ट ओके अब पहले क्या करना पड़ेगा उन्हें पहले एनकरेज करना है लोगों को या उन्हें पहले यह देखना है कि जिसको वो हायर कर रहे हैं तो जब सीनियर मैनेजर आ गया तो पहले तो हायरिंग आएगी भाई एक मिनट जैसे मान लो हमारी कंपनी में मेरे अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं ठीक है अब मैं उन लोगों को तब बताऊंगी ना जब मैं उन्हें हायर कर रही हूं अब बाहर अभी यहां ऑफिस से बाहर निकल के तो मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बताऊंगी नहीं सुनो तुम्हारे अंदर यह बात होनी चाहिए तो कुछ दिन बाद हो सकता है मैं ही सीनियर मैनेजर ना रह जाऊ तो उसको करना क्या है जो हमारा सीनियर मैनेजर है उसको जाना है एस के पास यानी उसको हायरिंग करनी है यहां तक दोनों सही है अब हायरिंग करने के बाद क्या करना है उसको मैंने टीम हायर कर ली अब मैं क्या करूं पहले मैं मीनिंगफुल कॉर्पोरेट कल्चर पहले बनाऊं या पहले मैं उन्हें एनकरेज कर दूं क्योंकि एनकरेज करने के बाद तो मीनिंगफुल कॉरपोरेट बन ही गया ना भाई मीनिंगफुल क्यों ताकि उसमें कोई बात है तो पहले तो सीनियर मैनेजर आया उसने हायरिंग करी हायरिंग के बाद उसने लोगों को एनकरेज करा कि भाई ऐसे 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 कर फिर मीनिंगफुल सेक्टर अपने आप तैयार हो गया फिर फाइनल लाइन कहती है अगर सब सही से गया ना भाई तो इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो फाड़ देंगे मार्केट तो करना क्या है क्यों एस तक हम पहुंचे थे इसके बाद तुरंत क्या होने वाला है दे हैव टू फाइंड वेज ऑफ एनकरेजिंग मास मासमेंट वाइर लिमिटिंग पॉसिबल थ्रेट्स टू दिस वन तो दैट मीन्स आर आर मैं ही आई देखो मैं ही आई मेरा ही अल्फाबेट आकर के चीजों को सही कर गया थोड़ा सा हिंट ये भी देख लेते तो, तो काम हो जाता सो ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ए को बोला है कि दिस और शायद एक ही था क्या ओ माइग रियांशी माय गॉश so everyone now दिस इज what exactly इट इज ओके ठीक है अब आप देखो आपको अगर हल्का सा गड़बड़ लगे कि ऐसे क्यों हो गया यहाँ पे देखो दे um, उन्हें यानी सीनियर ऑफिसर्स को ये तरीके निकालने पड़ेंगे एनकरेज करने के लिए मास एक्सपेरिमेंट जिनकी हायरिंग हो रही है और यहां पर ऊपर क्या कह रहा है दे मज एस्टैब्लिश अंगफुलपोरेट कल्चर

लिंक ढूंढ निकाला कि क्या सही होना चाहिए लेकिन फिर भी जिनके आंसर्स गलत भी थे मैं बोलूंगी आपका एफर्ट बहुत बेहतरीन था क्योंकि एटलीस्ट आप इन्हीं दो में रहे बाकियों ने आपको कंफ्यूज नहीं किया तो फिर से एक बार रिलैक्स होइए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स चेग इउट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स रीड आउट फास्ट मोर ऑर्गेनाइजेशन टूडे सीक अ ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर बिजनेस ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सेक्टर में चेंजेस चाहते हैं येट मोस्ट ऑफ देम थिंक ऑफ एंड टॉक अबाउट मैनेजिंग चेंजेस अच्छा वो बदलाव चाहते तो है मगर अभी भी ये उप मची पड़ी है कि ये बदलाव को क्या मैनेज कर पाएंगे या नहीं यानी चाहिए हमको लेवाइस की जीन्स हमको लेवाइस का जैकेट चाहिए लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ड्राई क्लीनिंग पे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे यहां से बात हुई शुरू लास्ट क्या था है क्लियरली वी ऑल एस्पायर टू लिव इन द डोमेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इवन इफ प्रेजेंटली वी आर इन द डोमेन ऑफ चेंज यानी कि हम सभी लोग एस्पायर करते हैं चेंज लाना अपनी जिंदगी में इस बात को न समझते हुए कि हम ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं और हर पल बदल रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं यह शुरू करता है बात को यह खत्म करता है यहां चेंजेस अपनाने की बात हो रही है और यहां पे वास्तविकता की बात हो रही है

इंप्लीके द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट भाई कॉन्फ्लिक्ट कब आया द इंप्लीकेशन इस इंप्लीकेश इस कॉन्फ्लिक्ट का इंप्लीकेशन आंसर ढूंढो मुझे मिल गया आप ढूंढो आपके थर्टी सेकेंड शुरू होते हैं आप भूषण अगर आपने क्यू एस आरपी पहले चूज किया था तो डायरिंग कंग्रेचुलेशन मैं बोला तो हम सो सॉरी अगर कहीं से कुछ गड़बड़ हो रही है ओके okay, इस वाले के लिए भूषण आपका जवाब इस वाले के लिए राइट एस पी आर क्यू एस पी आर क्यू सी ऑप्शन नंबर सी एक आंसर आ गया एक बंदे का आ गया अभी मैंने कुछ कर रही आप आप करते रहो रियांशी ने बोला बी तुम लोग किसी को जाने नहीं देते ना दिल सबका पकड़ के रखते हो अपना टूट जाए चलो ढूंढो ढूंढो डूडो जस्ट डू इट एक हिंट तो मैंने दे दिया मैं देना नहीं चाह रही थी मगर वो पता नहीं वो पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा ये वर्ड कहां से आया फिर से बी आ गया अंजेश ने भी बी बोल दिया और आई गेस महिमा ने सी बोला हुआ है अच्छा भाई ये ये एक और इनको एक अलग ही बुखार है ठीक है फिलहाल चेकआउट करो थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट मेरी क्लॉक स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग फिफ्टी तक का टाइम मैं आपको दूंगी इसके बाद फिर मैं बताना शुरू करूंगी महिमा ने सी बता दिया शिकागो स्वामी ए लो भैया ए बी सी बिक चुका है अगर डी वाले ऑप्शन में कोई है तो बता दे। हेमेंद्र सेज सी त्रिपाठी जी बी पे हैं हेमेंद्र सी पर है ठीक है भाई चूज कर लिया अब स्टॉप इट स्टॉप इट जस्ट स्टॉप इट चलो शुरू करते हैं हम लोग शुरू कहां से करने वाले हैं ओके यानी ये कह रहे हैं कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहते हैं अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाना यानी अपने बिजनेस में फिर भी उनमें से काफी इस बात से जूझ रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वो संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे यानी ये है कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभास इसी विरोधाभास की बात कर रहा था एस तो यानी हम ऐसे ऑप्शन को उठाएंगे जहां से एस शुरू कर रहा है तो अपने पास तीन लोग हैं यानी एस आर क्यू पी एस पी क्यू सॉरी सॉरी एस पी आर क्यू और तीसरा कह रहा है एस पी क्यू आर राइट अब इसमें और सस्ता चक्कर जो आप पकड़ लो जो जंबल में तुक्का ही होता है मगर मोस्टली सही जाता है मतलब मोस्टली सही जाता है अब इनमें से वो कौन सा पेयर है जो काफी मैच कर रहा है दिमाग दिमाग आजकल हार्ड वर्क नहीं वे स्मार्ट वर्क काम करता है तो हमारी लड़ाई है एस पी आर क्यू और एस पी क्यू आर यहां तक तो दोनों ही एक साथ चल रहे हैं अब देखना है यानी कि आई एम सो सॉरी आप में से जितने लोगों ने एस पी आर क्यू यानी लास्ट के दो ए वाले और बी वाले आई एम सो सॉरी कि आप अभी भी वो लिंक पकड़ नहीं पाए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं तो पहले एस पी को पहले पढ़ लेते हैं द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट बी फुल्ली अप्रिशिएटेड वी लर्न टू अप्रिशिएटेडिंग्विश बिटवीन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन जब तक हम इसका अंतर नहीं सीख जाते फिर तुरंत ये बात कहता है अपने आप को चेंज इज कैरेक्टराइज बाई रियाविटी चेंज का कैरेक्टर अगर आपको समझना है तो उसके रिएक्शन से समझना पड़ेगा कि सही चेंज है या गलत चेंज है यहां तक हो गया अब हम इसको रीड करते हैं पहले क्यों आएगा मोस्ट ऑफ़ अस लिव इन द डोमेन ऑफ चेंज बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज ऑर्गेनाइजेशन और आर कह रहा है कंफ्यूजन okay, कहां हुई तुम्हें पहले वो कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो पहली बात से जुड़ा हुआ था तो पहले तो हमें दोनों के बीच का अंतर समझना पड़ेगा फिर वो अंतर ये बताता है कि चेंज जो है उसका कैरेक्टर जो है है वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता यानी कैसा रिएक्शन निकल के आ कैसा रहा है फिर उसके बाद ये बता रहा है द कैरेक्टर अभी हम कैरेक्टर की तो बात कर रहे हैं तो पहले कैरेक्टर को तो खत्म करो कैरेक्टराइज किया गया है तो पहले कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में बात खत्म करें पहले हम लोग सो द कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन राइट आर पॉजिटिव एंड एक्चुअली क्रिएटिव दे स्टेम फ्रॉम अ न्यू फाउंड सेंस ऑफ पर्पजफुलनेस वंस हायर पर्पज इज डिस्कवर्ड क्लियरली वी ऑल एस्पायर टू लिव इन द डोमेन ये डोमेन आ गया अब हम डोमेन पे आ गए तो मेरी जान सही आंसर क्या होने वाला है एस पी के बाद आर लगाएं या एस पी के बाद क्यू लगाएसपी के बाद आर लगाएं या एस पी के बाद क्यू लगाएं द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन तुम्हें था बेबी तो तुम यही कर सकते थे ई e डोमेन वाला लाइन है और फाइनली जाके बतिया भी डोमेन पे ही खत्म कर रहा है तो वो तुरंत तुम्हें समझ में आ जाता कि इन दोनों के बाद पहले क्यों आएगा पहले आर आएगा सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी एस पी और लास्ट में कौन आ रहा है लास्ट में क्यू आ रहा है सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन तो आप में से जितने लोगों ने भी सी बोला हुआ है बधाइया जी बधाइया और जिन लोगों ने ये जो सियापा फैलाया ना रायता फैलाया था आज तुम लोग सोने नहीं दोगे मुझे <coughs> okay, uh, uh, ना अब होना भी नहीं चाहिए क्लास वेलकम टू मैम मेरा सही आंसर okay, hey, है कंग्रेचुलेसपी okay, के बाद आर फ्रॉम फॉर रोमा मैम हाँ ठीक है तू यही कर मैम मैंने सी बोला था हाँ तो तू तो स्टूडेंट किसका है क्लास किसकी ले रहा है देख भाई जितनी बार तेरे आंसर सही होंगे ना सारा क्रेडिट गोज टू मी और तेरे आंसर गलत हुए मतलब तू तु, तूने कुछ गड़बड़ करी है ओके हिमेंद्र मैम मेरा आंसर सही था ट्रॉफी दीजिए हिमेंद्र आई 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 लाइक यू बेबी आई आई लाइक द वे यू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड कीप इट अप द थास्तु टेक इट एज अ ट्रॉफी

एनवायरमेंट एक अच्छा बजट वही होता है राइट अब अंदर के बीच की चार बातें देख लेते हैं पहली बात ही यहां से शुरू हुई है कि भैया ऐसा है काम करने का स्तर और चीजों का जो डिमांड का जो लेवल है वो गिर गया है द करंट रिफॉर्म स्पेस इज टू लो अभी की जो बदलाव की जो दर है जो आ, अरे क्या है हिंदी यार वो आ, स्पीड स्पीड मान ले पेस का मतलब स्पीड है ठीक जो स्पीड है वो स्लो है बहुत स्लो है इज टू स्लो देर आर बिग गैप्स इन द परसेप्शन एंड केपेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स ये भी गड़बड़ है इंडस्ट्री टू इज नॉट रेडी टू डिलीवर ग्रोथ ये टू क्यों आया और कौन नहीं ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है भाई देर आर बिग गैप्स इन परसेप्शन एंड कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स ओके दस The government finances are terminally impaired with uncontrolled fiscal deficit. Shuro ho jate Ha, charo. Your time starts now. Read it out. Hmm. Okay, the current reform pace is too slow. Okay. I got the answer. तुम्हारा टाइम है तुम लोग घोडो तो नो नोवी आई एम जस्ट मीटिंग आई जस्ट लव इट आई जस्ट लव इट ओके बाय चलो 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 आंसर जाने शुरू हो गए ठीक uh, सबसे पहले सप्तदीप का आया है सी सी आ गया सप्तदीप का सबसे पहले आंसर आया एंड देन भूषण ने बता दिया बी ऑप्शन भूषण बी आंसर द फर्स्ट कैंडिडेट सप्तदीप सी आई हैव रिटन शिखा हैज आल्सो गिवन सी टेक और फिर भूषण बी इज मैन आउट ओके भूषण सेज बी इज मैन आउट ओके भूषण आई ऑलरेडी देयर ठीक है आ, हिमेंद्र सेज सी हिमेंद्र भी बोल रहा है सी तो बी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इन्हीं की बोली लग रही ए आ गया अंजेश शर्मा ने बता दिया ए है हमारा आंसर ठीक है कुछ और अभी आपके पास टाइम है और देखो और चेकआउट करो क्योंकि इनमें से क्या सही क्या गलत मैं कुछ नहीं बता रहा हूं अभी आप देख लो आप चेकआउट करो कितना क्या कैसे देन आल टेल यू विच इज करेक्ट ओके हाँ ठीक है लास्ट वाली लाइन में भी अच्छा खासा हिंट है यार वो भी चेक करो हाँ लास्ट वाली लाइन में भी और ये जो वर्ड टू ने मेरा दिमाग खराब किया ना टू का मतलब क्या होता है भी तो so ये ढूंढो और भी कौन है ये और भी कौन था ए ऑप्शन हिमेंद्र ने सी बता दिया ओके इज इट डन डन इट इज फाइव फोर थ्री टू वन ऑफ ओवर नाउ चेक इट आउट डन 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 रियांशी ए आई विल टेक यू लास्ट आंसर एज ए अब हम लोग चेकआउट करते हैं फिजिकल I mean, ये डेफिशियटेडोरिएट कर चुका है अब अगर ये डिटोरिएट कर चुका है तो अभी क्या है गवर्नमेंट फाइनेंस लेके आ रहा है और फाइनेंस का मतलब कहां से निकल के आता है बजट सबसे सस्ता दस द गवर्नमेंट फाइनेंसमली आर टर्मिनली टर्मिनली इंपेयर किए जाते हैं तो फिनेंस और बजट ये हमारा कुछ तुक्का मिल रहा है ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडस्ट्री भी तैयार नहीं है ग्रोथ डिलीवर करने के लिए तो इंडस्ट्री भी तैयार नहीं और कौन तैयार नहीं था गवर्नमेंट तो कर ही थोड़ा बहुत और देर आर बिग गैप्स इन द परसेप्शन एंड कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर मैनेजर की परसेप्शन और कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क है और द करंट रिफॉर्म फेस इज टू स्लो अभी जो प्रोग्रेस करने की जो दर है वो बहुत कम है और तो और इंडस्ट्री भी नहीं साथ देना चाहती डेफिशिट कर गया है क्यों कर गया है दो बातें रीजन बता रही हैं। तीसरी बात यह बता रही कि काम करने वाले कहां गड़बड़ कर रहे हैं और चौथी बात बता रही है कि फाइनली इसको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है तो पहला क्या होगा पी तो यहां पे पी कहां पहला है यानी बी तो गया सो एम सो सॉरी भूषण ऑड वन आउट नहीं काम कर पाया तो हमारे पास तीन लोग हैं पी क्यू आर एस पी आर क्यू एस और पी एस क्यू आर यहां तो सभी डिफरेंस हो गए सो so पहले पी आएगा द करंट रिफॉर्म फे पेस इज टू स्लो तो इनके तुरंत बाद टू अगेन इंडस्ट्री भी ऐसा करने में अक्षम है अनेबल है तो यानी पी के बाद आर अरे वैक्स क्या हमें कुछ और आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी फिलहाल जो मुझे लग रहा था एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं फिनासिस यानी एस और बाद में सिक्स लास्ट में एस सी हर तरीके से घुमा फिरा के हर बात में हर जगह से निकल के आ रहा है पी आर क्यू एस ऑप्शन नंबर सी इज एप्सल्यूटली करेक्ट so all of you those who have given me option number C as the correct option congratulations buddy and आप में से जितने लोगों ने A और uh, B को चुना हुआ था इस पर बूस्टर मुझे बहुत मतलब like I love the confidence that you had but I'm so sorry darling uh, because थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया इधर उधर करके ब्रह्म कोई नहीं फिक्र नों गोली मार छोड़ दे let it be just let it be आई होप अब फिर से जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसीलिए रोमा मैम आपको बार बार कहती हैं इसीलिए आपके साथ साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ताकि मुझे ये समझ में आता रहे कि कौन सी साइकोलॉजी के थ्रू आप ये जवाब सेलेक्ट कर रहे हो राइट सो द कॉन्सेप्ट इज अब मैं आपको शायद क्लियर करवा पा रही हूं कि ये हिंट पैराजम्बल्स कैसे बना के रखते हैं यही तरीका है इनके हिंट्स को बताने का सो so, मैम मैं सही आंसर किया तो

जितनी बार गलत हो ना जस्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर श्योर लेकिन लेकिन अगर सिलसिलेवार तरीके से गलत हो रहा है तो ब्रेक ले लें फिर मत कर ये रिश्ते में भी है अगर रिश्ते में सब कुछ गड़बड़ ही चल रहा है तो ब्रेक ले लें लेकिन अगर उस वक्त कुछ गलत चल रहा है एक मौका आ दे बातचीत कर तो अगली बातचीत करते हैं अगले सेंटेंस के साथ अगला पैरा जंबल हमारे पास औ ये भी छोटू है चलो 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 लेट्स लेट्स गो विद इट

पहले प्रायोरिटी सेक्टर का किताब खोल दिया फिर बाद में कह रहे हैं, मार्केट जो है वो फेल कर गया कई वजह से कारण कई थे तो पहले तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या है भैया ये प्रायोरिटी सेक्टर इन व्यू अब तुरंत तुरंत, तुरंत हमारा व्यू कहां से आ जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड योर टाइम स्टार्ट नाव बॉडी टाइम स्टार्ट नाव मैं एक बार रीड आउट कर दे रहा हूं इन माई व्यू अ प्रायोरिटी सेक्टर शुड बी एन एरिया ऑफ मार्केट फेलियर पहले इन बता दिए प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हाउसिंग एक्सपोर्ट एक्सेट्रा इकोनॉमिक्स से दट अ मार्केट हैज फेल्ड व्हेन द मार्केट डज नॉट प्रोवाइड आउटकम्स फॉर सोसाइटी टैग एज देर इज नो क्लियरली आर्टिक्यूलेटेड लॉजिक चूज करो पहले प्रायोरिटी सेक्टर्स के बारे में उसके बारे में ढूंढ निकालो कौन बात कर रहा है फिर फेलियर के बारे में ढूंढ निकालो कौन देख रहा है चेक करो अभी मैं वेट करती हूं I got the answer. I got the answer. Yo, मैं वेट कर रहा हूं सात आपने पहले आंसर दिया था ऑप्शन आ गया भूषण की तरफ से पहला ऑप्शन पहला 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 सी बाय भूषण ओके ना इसके बाद क्या है अंजेश ने भी सी को ही बोला है इसके अलावा क्या है योगी ओ आई योगी

चलो चेक करते हैं आप ही मुझे बताते हैं जाना मैं क्या बताऊंगी आप मेरे को बताना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट substantial बैंक क्रेडिट जो है ये डाल रहा है प्रायोरिटी सेक्टर्स को दे रहा है इंडियन इकोनॉमी को जाहिर सी बात है अपब्रेक करने के लिए फ्लरिश करने के लिए सो so, अभी ये प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या है पहले तुम ये देख ले फेल या पास तो ये बाद में होंगे ना तो पहले क्या होंगे पहले प्रायोरिटी सेक्टर्स इंक्लूड एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हाउसिंग एंड एक्सपोर्ट यानी हम वो चॉइस लेंगे जहां पे क्यू पहले आ रहा है तो बहुत बढ़िया क्यू एस पी आर क्यू पी ए क्यू पी आर एस आर एस और लास्ट में है क्यू पी एस आर ठीक इज इट डन फाइन इट इज अब हम देखो इसको हम चेकआउट करते हैं अब इसमें से दो लोग ऐसे हैं जो आस पास बहुत ज्यादा मिल रहे हैं Q -P, Q P Q P तो मतलब Q P जो है जो रिजेंबल कर रहा है अब हम चेकआउट करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स होते ये हैं ना इकोनॉमिक्स से दैट अ मार्केट फेल्ड इकोनॉमिक्स ये कहता है कि मार्केट फेल कर जाता है जब मार्केट डज नॉट प्रोवाइड एफिशियंट आउटकम फॉर द सोसाइटी ये इकोनॉमिक्स कहता है फिर ये मेरे ओपिनियन में भी मैं अपनी ओपिनियन में क्या कह रहा हूं प्रायोरिटी सेक्टर शुड बी एन एरिया ऑफ मार्केट फेलियर राइट अब जब हमने ये बता दिया कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में ये 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 आते हैं तो अब सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा लेकिन ये क्लियर नहीं है इट इज नॉट क्लियर हाउ सेक्टर्स गेट आइडेंटिफाइड प्राइवेटी सेक्टर्स में ये ये आते हैं मगर क्लियर नहीं है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखो आइडेंटिफाइड फॉर द प्रायोरिटी टॉक टैग एज देर इज नो क्लियरली आर्टिकुलेटेड लॉजिक यानी कि पहले वो कह रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में डालने के लिए पैसा फिर ये कह रहा है प्राइवेट सेक्टर्स के अंतर्गत ये ये आते हैं फिर बता रहा है लेकिन क्लियर नहीं है कि कितने आ सकते हैं इसका कोई पैरामीटर दिया गया नहीं है यानी ये एक्सेट्रा से और भी बढ़ते चले जा सकते हैं तो पहले बताए ये ये आते हैं और फिर जैसे मान लो मैंने बोला कि अब जो पैसा है ना ये सारा का सारा पैसा इस बिजनेस में लगाना है ठीक इन इन बिजनेस में लगाना है हमको लेकिन अभी ये पता नहीं है कि कितने में हम कितना लगा सकते हैं क्योंकि देखना पड़ेगा भारी नुकसान और फायदा कहां हो रहा है ठीक हम यहां तक पहुंचे अब हमें क्या करना पड़ेगा यानी क्या है क्यू और एस और तेरी आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी क्यू और एस आया के बाद अब मेरे ओपिनियन में तो भैया ये बिल्कुल ठीक नहीं है जैसे हम लोग अक्सर ऐसे बोलते हैं ना देखो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और फलाने भी यही कह रहे थे तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है और फलाने भी यही कह रहे थे कि भैया ऐसे नहीं होता फेल कर जाता है मार्केट और जैसे ही इकोनॉमिक्स ने ये चीज बोली तो फाइनली ये कहता है मार्केट फेल फॉर अ वाइटी ऑफ रीजन ये वराइटी ऑफ रीजन कहां से आ रहा था इकोनॉमिक्स से दैट द मार्केट हैज फेल्ड मार्केट डज नॉट प्रोवाइड एफिशियंट आउटकम जब एफिशियंट आउटकम सोसाइटी को नहीं दे पाता तो फेल कर जाता है और लास्ट में कह रहा है इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से फेल कर जाता है तो पहला तो जो हमको समझने वाली बात थी पहले जो समझ आई तो मतलब एकदम ताबड़ोड़ पहला इन्होंने बता दिया प्राय प्रायोरिटी सेक्टर तो यानी हम शुरू तो करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर से ही यानी क्यों शुरू करेगा यहाँ तक हम पहुंचे फिर हमने एंड वाला चेक कर लिया मार्केट फेल फॉर वेराइटी ऑफ रीजन तो कोई एक रीजन तो इसमें होगा ना तो यहाँ पे एक रीजन इकोनॉमिक्स ने दे दिया यानी आर आना चाहिए लास्ट में अब आए थे हम यहाँ पर ठीक यानी यह हटे अब जैसे आया पहले देखना है कि क्यू के बाद ऐसा आएगा इट इज नॉट क्लियर कि कौन कौन से सेक्टर रखे जाएंगे या इसके तुरंत बाद हमारा ओपिनियन आ जाएगा तो पहले क्या होगा सेक्टर्स बताने के बाद ये बताया जाएगा कि इसके अंदर का कौन कौन होंगे वो क्लियर नहीं है सो ऑप्शन नंबर क्यू एस पी आर क्यू एस पी आर ए ऑप्शन इज करेक्ट और मुझे नहीं लगता बेबी आप में से किसी ने भी ए ऑप्शन को चूज भी किया था आई थिंक डी 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 सी 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 डी 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 सी मतलब यकीन मानो अभी भी एज अ टीचर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद पैरागंबल पे और क्लासेस लेनी चाहिए लेकिन कोई नहीं अभी एक काम करते हैं पैरा जंबल को थोड़ा सा विराम दे रहे रहे? सा देते हैं राइट थोड़ा सा विराम देते हैं बट प्लीज 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 फिर से बता रही हूं मैं आपको और हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे ये जाएगा कहां फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे पैरा जंबल में जो बात एकदम ऊपर लिखी गई है अगर उस बात से बिल्कुल डायरेक्ट लिंक करता हुआ कुछ है तो वो ढूंढो अगर नहीं मिल रहा

कभी कुछ कंजंक्शन के द्वारा ज्वाइन करते हैं कभी माई ओपिनियन तो किसी और के ओपिनियन से ज्वाइन करते हैं तो इन सब चीजों पे चाहिए आपको जान प्रैक्टिस एंड एंड आई आई नो नो कि आप कर रहे हो बट एक ऐसे मान लेते हैं नॉट एवरी डे इज माई डे सो शायद आज का जो डे था वो हमारा डे नहीं था यकीन मानिए एज अ टीचर मेरे को भी भारी चुल्ल मची पड़ी हुई है कि मेरे को और करने का था यह बट नो डाउट हम फिर वापस आएंगे के साथ फॉर sure. लेकिन कल से हम शुरू कर रहे हैं थिंग इसीलिए रखते हुए यकीन मानो वेरी सुन आर गोइंग टू बी अ प्रो बट यू नीड टू बिलीव दैट टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल हम इसी पे काम कर रहे हैं और यही इज गोइंग टू ब्रिंग द ब्राइट कलर्स सो एवरीवन